भी इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि अलीगढ़ से आ रही है। जी हाँ, वैसे तो देश भर में कई शाहीन बाग जैसे इलाके देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ भी अभी इसी तरीके का कुछ तस्वीर वहां से आ रही है जो हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर जो आपको बता दें, यहाँ सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और काफी ईंट पत्थर भी चले हैं। जी हाँ, पुलिस पहुंच चुकी है और कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की स्थिति को, लेकिन फिलहाल सीए का विरोध अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है। जाफराबाद में सुबह जब खबर आई थी, यहां कुछ महिलाएं जाफराबाद में बैठ गई थी, उसके बाद यह प्रदर्शन जो है अब अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है। शाहीन बाग बनाने की एक कोशिश अलीगढ़ में की जा रही थी, जिसे पुलिस वहां पहुंचकर यह कोशिश कर रही है कि इलाका उस तरीके से तब्दील ना हो। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे बस कुछ ही पलों में। यह तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए किस तरह से यहां पर पुलिस का जत्था जो है वो मौजूद है। कोशिश यही है कि यहां लोगों को हटाया जाए। ये सड़क देखिए किस तरीके से आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर कितने ईंट पत्थर चले हैं। सीए को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट कभी भी गलत नहीं होता है। बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है, तमाम जो कोर्ट है वो कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोकतंत्र में ये आपका अधिकार है, लेकिन क्या ईंट पत्थर चलाए जाए। देखिए यहाँ पुलिस पर ये देखिए ये फायरिंग की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं लोगों पर कंट्रोल करने के लिए भीड़ को, क्योंकि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। इतने सारे पत्थर सड़क पर आ कहां से जाते हैं, यानी फुल प्रूफ प्लानिंग लेकर लोग जो है प्रोटेस्ट करने के लिए उतर रहे हैं। ऐसे में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं पुलिस वालों को भी। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, इस वक्त के ताजा हालात जानना चाहेंगे, क्योंकि जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वहां बहुत सारे पत्थर सड़क पर देखने को मिल रहे हैं, पुलिस जो है आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। फिलहाल ताजा अपडेट ग्राउंड से बताइए। श्वेता बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ में पिछले लंबे समय से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थी और विरोध पुलिस ने सीधे तौर पर जिला प्रशासन ने भी कह रखा था कि विरोध करने का सबको अधिकार है, आराम से विरोध प्रदर्शन करें। बावजूद इसके महिलाएं उग्र हो गई, यानी पुलिस पर सीधे तौर पर उन्होंने। ऐसा क्या हुआ प्रमोद कि महिलाएं उग्र हो गई? आप कह रहे हैं कि काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इसी इलाके में ऐसा क्या हुआ कि महिलाएं आज उग्र आंदोलन करने लगी? बिल्कुल देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं, महिलाएं अलीगढ़ का जो ताजमहल एरिया है उसमें विरोध प्रदर्शन कर रही थी और अचानक कल से महिलाएं ऊपर कोट कोतवाली आ गई। कोतवाली पर आकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर दिया और हद जब पार हो गई, जब महिलाएं कोतवाली के गेट पर बैठ गई और आज महिलाओं ने पुलिस के ऊपर प्रदर्शन कर दिया, प्रदर्शन से पथराव कर दिया, पुलिस के ऊपर पथराव कर रही थी। उसी दौरान फिर पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले चलाने पड़े और लगातार जो जनता के जो प्रदर्शनकारी है वो पुलिस के ऊपर फायरिंग भी कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि पुलिस की जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां फूंकने का प्रयास किया गया है और दुकानों में। ये कितने दूर का इलाका है, जरा दर्शकों को बताइए प्रमोद कि ये कितने दूर का इलाका है, प्रदर्शन कहाँ चल रहा था? क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन काफी दिनों से चल रहा था, कोई ऐसा स्पॉट था जहाँ महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी और आज वो कोतवाली पहुंच जाती है इस तरह के उग्र आंदोलन के लिए? श्वेता देखिए, ये प्रदर्शन जो है जमालपुर में चल रहा था, जो जिलाधिकारी चंद्रभूषण ने अनुमति इनको दी थी, बावजूद इसके ये महिलाएं उग्र हो गई और ऊपरकोट कोतवाली पर आ गई, जहां इन्होंने उग्र प्रदर्शन यानी सीधे तौर पर खड़ी हुई पुलिस पर पथराव किया है। जबकि पुलिस ने सीधे विरोध प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, कानून लेना यानी पुलिस पर पथराव करना, पुलिस की गाड़ियां तोड़ना, पुलिस के कई सीधे तौर पर आया कई पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल है पूरे मामले में। और इसके अलावा जो दुकान है, एक दो दुकानों में भी आग लगा दी गई है और खुद जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार गोलियां चला रहे हैं। इसके अलावा अभी भी, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है प्रमोद, यहाँ से पुलिस जब गोलियां चला रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो यहाँ से भीड़ जो है वो तितर बितर हो चुकी है। क्या किसी महिला से आपकी बातचीत हो पाई? क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। आप कह रही है महिलाएं जो है कोतवाली पहुंचती है, पुलिस पर हमला करने लगते हैं, पत्थरबाजी करने लगती है। यूपी में हम देख चुके हैं कि प्रदेश के मुखिया ने कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन को उन्होंने बिल्कुल नकारा है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से तो महिलाएं खुद आगे आके पत्थरबाजी नहीं करेंगी? श्वेता देखिए, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ पुलिस बिल्कुल अलीगढ़ पुलिस की साफ मंशा है, सीधे तौर पर एसएसपी ने चार्ज कर लिया, उन्होंने सीधे कह दिया कि प्रदर्शन खुल के करें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कानून हाथ में ना लें। मगर आज जो बात देखने को मिली है, महिलाएं खुद पथराव फायरिंग कर रही हैं, ये तमाम चीजें मतलब महिलाएं पथराव कर रही हैं और उनके साथ जो जेंट्स हैं वो गोलियां चला रहे हैं। और हद जब पार हो गई, जब महिलाएं निकल कर आ रही हैं, जो आरोप लगाया जा रहा है कि एक हिंदुओं का मंदिर था, उस मंदिर पर महिलाओं ने पथराव किया और जैसे ही ये तरीके की शहर में अफवाहें फैली, उसके बाद
खुद प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पथराव किया और अभी की जो ताजा हालात है उनको एकदम नहीं प्रमोद तो खबर यहाँ अलग रुख ले लेती है प्रमोद कि हिंदुओं का वहाँ मंदिर था, मंदिर पर पथराव, टारगेट तो मंदिर को किया जा रहा था ना। देखिए श्वेता मैं आपको बता दूं, जिस टाइम महिलाएं भारी तादाद में इकट्ठा होकर आ रही थी तो रास्ते में एक मंदिर हिंदुओं का पड़ता है। हिंदुओं का जो आरोप है उनका कहना है कि वहां महिलाओं ने मंदिर पर पथराव किया, उसी को लेकर हिंदू भी उग्र हो गए थे और वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान तमाम पुलिस के आला अफसर पहुंचे, उन्होंने समझा बुझाकर किसी भी तरीके से मामला शांत किया। मगर यहाँ जो कोतवाली की बात करें, कोतवाली एक ऐसी जगह है जो चार मतलब बीच में कोतवाली और कोतवाली के चारों तरफ रास्ते हैं। अब जो कंडीशन है चारों तरफ से महिलाएं आ गई पथराव कर रही हैं। सीधे तौर पर वो वहां पर जब हिंदू प्रदर्शन कर रहे थे तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं इनमें भी नाराजगी सी आ गई और महिलाओं ने प्रदर्शन स्टार्ट। सीधे तौर पर देखिए पुलिस सीधे कह रही थी, दो समुदाय आप ये कह रहे हैं प्रमोद, दो समुदाय आपस में भिड़ गए सीए के विरोध प्रदर्शन के बीच, दो समुदाय आमने सामने हो गए, पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा और पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई। आपको बता दूं दो समुदाय नहीं, असल में हुआ क्या है कि रास्ते में जब महिलाएं ऊपर कोर्ट प्रदर्शन के लिए आ रही थी तो रास्ते में मंदिर पड़ता है, उस मंदिर पर आरोप ये है कि वहाँ कुछ महिलाओं ने पथराव कर दिया। इसी को लेकर जो हिंदूवादी थे वहाँ धरने पर बैठ गए थे और फिर पुलिस ने समझा बुझाकर उन्हें किसी भी तरीके से शांत किया। शांत करने के बाद महिलाओं का वो सारी ऊपर कोर्ट आ गए जहाँ हजारों की तादाद में महिलाएं इकट्ठी थी। महिलाओं ने जो ये जो दूसरी जगह बवाल हुआ या पथराव फायरिंग हुई है वो मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी का स्थान है, उससे नहीं उस घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूरी का स्थान है ये सता जी। प्रमोद आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को दो तस्वीर इस वक्त दिखा दे और समझा दे। ये देखिए अलीगढ़ में किस तरीके से फायरिंग हुई है, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, दागने पड़े हैं क्योंकि यहाँ जो भीड़ है वो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही थी तो उन्हें कंट्रोल में करने के लिए, तितर बितर करने के लिए पुलिस ने यहाँ फायरिंग की है। दिल्ली में ये सड़क पर किस तरीके से हिंसा देखने को मिल रही है, शाहीन बाग का इलाका तो आपको याद है, देश भर में कई ऐसे जगह हैं जो शाहीन बाग के नाम से अब चर्चित हो रहे हैं क्योंकि जहां भी प्रोटेस्ट सीए को लेकर हो रहा है वो कह रहे हैं ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा शाहीन बाग बनता जा रहा है। तो दिल्ली में देखिए किस तरीके से सड़क पर हिंसा देखने को मिल रही है, जाफराबाद में हमने तस्वीर देखी और ठीक अब अलीगढ़ से ये तस्वीर सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से पत्थर जो है सड़क पर पड़े हुए हैं, अब ये पत्थर कहां से आते हैं? आप सीए का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, विरोध दर्ज कराइए, लेकिन क्या पत्थर हाथ में लेकर जाएंगे विरोध दर्ज कराने के लिए? इंटेंशन साफ है, कहीं ना कहीं मानसिकता साफ है कि आप विरोध प्रदर्शन उग्र तरीके से करना चाह रहे थे कि अगर कोई बीच में सामने आता है तो आप पत्थरबाजी करेंगे। प्रमोद जिस तरीके से आप बता रहे थे कि महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ रही थी, वो कोतवाली तक जा रही थी, बीच में एक मंदिर पड़ता है, वहां कुछ पत्थरबाजी हुई, हिंदूवादी जो कुछ नेता थे या हिंदू समुदाय के लोग जो हैं उन्होंने विरोध दर्ज कराया, वहां धरने पर बैठ गए, उन्हें समझा बुझाकर उठाया गया, लेकिन फिर भी ये पत्थरबाजी हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो दोनों समुदाय के बीच में भी आमना सामना हुआ होगा या ऐसा कुछ वाकया नहीं घटा? प्रमोद श्वेता मैं आपको बता दूं शहर का माहौल कल से ही गर्मा रहा था। जिस तरीके से अलीगढ़ में कल महिलाएं भारी तादाद में इकट्ठा होकर आ रही थी उसी दौरान आरोप यह है कि एक दुकान में घुस गई जिसके सीसीटीवी फुटेज भी आए थे, बहुत सारे लोग भागते दौड़ते हुए नजर उनमें दिख रहे थे और उसमें वायका था अलीगढ़ पुलिस ने एक मुकदमा 4 नामजद और करीब 40 अज्ञातों के खिलाफ दर्ज कर लिया था। बावजूद इसके बात आज की जाए तो आज फिर महिलाएं प्रदर्शन के लिए ऊपर कोट क्षेत्र में आ रही थी और उसी दौरान वहां मंदिर पर आरोप जो हिंदुओं का है वो आरोप यह है कि कुछ महिलाओं ने पथराव किया। उसके बाद फिर ऊपर कोर्ट पर अभी फिलहाल जो ताजा स्थिति यह है कि यहाँ पथराव किया, पथराव के बाद अभी भी लगातार उधर जो पथराव है वो चल रहा है। नजर बनाए रखिए, नजर बनाए रखिए प्रमोद, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।